हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी आदमी को जो है वो डेथ वारंट दिया हुआ है या फिर डेथ पनिशमेंट दिया हुआ है, तो क्या उसे पार्डन कोई कर सकता है? तो ये पार्डनिंग के पावर हाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। और भी कई पार्डनिंग पावर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा ये चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो आइए देखते हैं कि ये पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है उसका प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलता है। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। देखिए, घबराइएगा नहीं, ये सभी जो है हम डिटेल में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे कि पार्डन क्या है, रिप्राइव, रिस्पेक्ट क्या है। बस अब फिलहाल के लिए स्लाइड में इतना याद रखिएगा कि कोई भी पर्सन हो, किसी भी बुरे तरीके का ऑफेंस भी उसने क्यों ना किया हो, प्रेसिडेंट को पार्डन करने का पावर उन्हें दिया गया है। वो किसी भी चीज़ का कन्विक्ट क्यों ना हो, प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि अगर उन्हें वैल्यूएबल लगे, अगर उन्हें जस्टिफाइबल लगे, तो वो उसे पार्डन कर सकते हैं या फिर उस पनिशमेंट को चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 72 में ही दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर्स दिए गए हैं। द पावर टू पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज्ड ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल होता है, खासकर कैबिनेट जो होता है, उनके एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपने इस पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ पार्डन्स होते हैं, यानी कि अभी जो टर्मिनोलॉजी हमने देखी उसका एक एलोबरेट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो है वो है पार्डन, कंप्लीटली अब्सॉल्व फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस एंड पनिशमेंट, यानी कि उसे बाइज्जती बरी कर देना, यानी कि किसी भी तौर का पनिशमेंट जो है अब उस पर लागू नहीं होगा, इवन द डेथ वारंट बाय सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड जो है वो है कम्यूटेशन, यानी कि टू रिप्लेस द पनिशमेंट विद लेस सीवियर पनिशमेंट। मान लेते हैं कि डेथ वारंट दिया गया है, यानी कि डेथ पनिशमेंट दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस डेथ वारंट को जो है वो कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पनिशमेंट की सीवियरिटी को डिक्रीज करने को हम कम्यूटेशन कहेंगे। तीसरा जो है वो है रिप्राइव, यानी कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। इसमें किसी भी तरीके के पनिशमेंट को चेंज नहीं किया गया, अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया गया है उसे टेम्पररी जो है वो सस्पेंड किया जाता है, ताकि एक और मौका दिया जाए कि वो अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई जो है पिटीशन जो है वो दाखिल कर सके। रिस्पाइट, अवॉइडिंग अ लेसर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स लाइक प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। अगर मान लेते हैं कि कोई औरत कन्विक्ट है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि अगर फांसी की सजा दी जाए तो यहाँ पर हम एक और नादान जिंदगी को भी खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया है कि वो रिस्पाइट का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत लेसर पनिशमेंट दे सकते हैं। अगेन, ये कम्यूटेशन का ही एक तरीका है, जहाँ पर जो है लेसर पनिशमेंट हमें दिया जाता है, लेकिन रिस्पाइट जो है वो स्पेशल ग्राउंड्स पर ही दिया जाता है, लेकिन कम्यूटेशन किसी भी ग्राउंड पर हो सकता है। आखिरी जो पार्ट ऑफ या फिर आखिरी जो टाइप ऑफ पार्डन है वो है रिमिशन, यानी कि रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट कैरेक्टरिस्टिक्स और इट कैरेक्टर। मान लेते हैं कि जीवन कैदी दिया गया, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ कुछ 2-2.5 लाख का फाइन भी दिया गया है या फिर उससे बढ़ा दिया गया है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स दिए गए हैं कि भाई आप कैरेक्टर को चेंज ना करें उस सेंटेंस के, यानी कि यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि उसने बहुत ही बड़ा क्राइम किया हुआ है, तो यहाँ पर मनी भरने से जो है उसे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जा सकता, इसे रिमिशन कहते हैं। तो दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डन्स विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन गिव। देखिए, याद रखिएगा कि गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर दिए गए हैं, वो भी जो है अपने पार्डन पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उसे पार्डन कर सकते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट्स को ये पावर नहीं दिया गया कि वो किसी भी हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो उसके डेथ सेंटेंस को पार्डन करें। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।